Assalamualaikum guys, so welcome back to our YouTube channel UF Reaction. Sure. This is Usama. This is Marja. This is Umar. So guys, आज की वीडियो बहुत जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, एकदम फिर से मजेदार किस्म की वीडियो लेके हम तीनों ही आपके सामने हाजिर हो चुके हैं. सो गाइज, आप लोग सोच ही रहे होंगे कि यार आज की वीडियो क्या आने वाली, क्योंकि आज बहुत मजा आने वाला वीडियो का. क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि आजकल मूवीज के सीजन आ रहे हैं और काफी मजा आता है यार मूवीज देखने का. उसी पे एक नई मूवी आ रही है, उसी का भी मूवी तो आई नहीं है, लेकिन ये है कि अनाउंसमेंट है. आज हम वो देखने के लिए जा रहे हैं, तो बहुत ही मजा आने वाला है. आज की वीडियो का जो टाइटल है वो बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार होने वाला है. उसका टाइटल मैं आपको बताता चलूं, TJMM. अब इसका क्या मतलब है, शॉर्ट वर्ड में नाम दिया गया है, ये तो अब आगे देख के पता चलेगा कि हम इसका मतलब अनाउंसमेंट के अंदर हमें कुछ देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा ये तो हम बाद में देखेंगे. तो इसकी कास्ट के बारे में अगर बात की जाए तो भाई आज की कास्ट क्या है इसकी, बताएं भाई. उसकी जो कास्ट है वो है रणबीर कपूर और श्रद्धा, जो फेवरेट है मेरी, जो काफी देर बाद उसमें एज अ गेस्ट आई थी. और लेकिन ये है कि आज जो हम इनकी टाइटल अनाउंसमेंट देखने जा रहे हैं, ये मूवी जो है वो है जी लव रंजन की, और ये काफी ज्यादा हिट मूवीज दे चुके हैं इनकी. मैंने और उमर भाई ने काफी मूवीज देखी, यार का पंचनामा थे इनकी, फिर उसके अलावा सोलू के टिटू की स्वीटी, ये भी इन्हीं की मूवी थी. और उसमें भी इन्होंने शॉर्ट वर्ड दिया हुआ था. हाँ, और इनका जो होती है ना बड़ी जबरदस्त एक मूवी की स्टोरी होती है, लव स्टोरीज भी होती है और कॉमेडी भी बीच में होती है, और बड़ा मजा आता है देखने का. तो आज जो है एक और इनकी मूवी आ रही है, तो आज हम पहले इनकी टाइटल, इनका जो अनाउंसमेंट है वो देखते, तो बाकी डिस्कशन बाद में करेंगे. हमेशा की तरह वीडियो पे जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल सके. सो लेट्स वॉच द वीडियो, स्टे विद अस, हैव वी गो. पढ़ले मेरी डार्लिंग तू झूठी मैं मक्कार. तू झूठी मैं मक्कार, और बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो है ना रोल दोनों का मुझे लग रहा है. और श्रद्धा कपूर बड़ी अच्छी लग रही है इसमें, रणबीर कपूर जो है वो भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, और श्रद्धा कपूर ने काफी अपने आप को चेंज किया. अच्छा, और दोनों जो है ना मुझे थोड़ा अलग लुक लग रहा है, मतलब लुक वाइज भी, और उनका जो है ना वो मतलब करेक्टर वाइज भी, मतलब कुछ दिखा रहे हैं कि मतलब वो झूठी और मक्कार, मतलब कुछ मतलब लग रहा है कि शायद मतलब दोनों ही एक दूसरे को लेके सिंसियर ना होंगे, कुछ ऐसा है. जिस तरह उन्होंने बोला ना कि तू झूठी मैं मकार, इस तरह मैंने इस चीज को नोट किया. TJMM. हाँ बिल्कुल, वो यही है ना, तू झूठी मैं मकार. मुझे लगता है मूवी का नाम भी यही है ना. स्टोरी मेरे ख्याल से ऐसे भी हो सकती है, जिस तरह प्यार का पंचनामा की स्टोरियां थी ना, आई थिंक इस तरह की भी कोई स्टोरी हो सकती है अगर देखा जाए तो. मतलब लेकिन ये कि दोनों अपनी लाइफ में ना सिंसियर नहीं होंगे, मतलब एक दूसरे के लिए कुछ ऐसा होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि आपस में लव होगा, फिर ब्रेकअप होगा, फिर लव होगा, ऐसे कुछ होगी, स्टोरियां होंगी. इतना श्रद्धा की एक और भी आई थी, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा वो हीरो का, उसके साथ कोई ऐसी मूवी आई थी, उसमें भी बिल्कुल कुछ ऐसी मुझे स्टोरी फील, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा, आशिकी 2 का वो लड़का है, और इसमें भी जो है हमें जो एक अलग स्टोरी और न्यू स्टोरी हमें देखने को मिलेगी, और बड़ी देर बाद मिलेगी, क्योंकि प्यार का पंचनामा और सोनू की टिटो की जो स्वीटी आई थी उसमें, उसके बाद काफी, उसके बाद से अभी तक कोई ऐसी मूवी आई नहीं है, मतलब कॉमेडी वाली मूवी जिस तरह की होती है ना, जैसे इनकी स्टोरी होती है. तो आज अब ये आ रही है, मजा आएगा. और सबसे बड़ी बात ये है कि श्रद्धा बहुत देर तक हमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा उन्होंने बीच में गैप ले लिया था. अच्छा अच्छा, ये जो मूवी है वो जी आ रही है 8 मार्च को, मार्च 8, ठीक है,
मतलब 2023 में आ रही है, 2023 में देखेंगे हम इस मूवी को, तो मजा आने वाला गाइस, हमें एक नई मूवी जो है वो देखने को मिलेगी। और जो म्यूजिक है वो है जी प्रीतम का, और जो मतलब बहुत अच्छे है यार, म्यूजिक बहुत अच्छे होते हैं, फेवरेट है हमारे। और वैसे मैंने एक चीज देखा कि ये जिस डायरेक्टर की मूवी है इनके सॉन्ग भी बहुत आउटक्लास होते हैं, काफी हिट होते हैं सॉन्ग उनके। और अभी मैं वही वेट कर रही हूँ कि अभी यानी कि बस ये अनाउंसमेंट ही हुई, अभी ट्रेलर आएगा। अच्छा, बॉलीवुड भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता, मतलब जैसे तेलुगु हम मूवीज देखते हैं इंडस्ट्री है ना उनकी, वो भी ऐसे करते हैं, मतलब पहले उनकी टाइटल अनाउंसमेंट होती थी, पोस्टर आता था, फिर टीजर आता था, फिर टीजर टू आता है, फिर ट्रेलर आता है, तो ये भी ऐसे करने लगे बॉलीवुड वाले। बॉलीवुड वाले भी ऐसे करने लगे, कॉपी की है वैसे, लेकिन जो भी है बहुत जबरदस्त। अच्छा, मूवी मुझे इतनी कमाल की लग रही है, मुझसे अब ट्रेलर का वेट नहीं हो रहा, तो मजा आने वाला, पता चले थोड़ी। तो गाइस ये था आज का वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट करें, मिलते हैं वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।